गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th डायमंड का लेसन नंबर जो 10 है वो करेंगे और उसमें से हमने कुछ टॉपिक सेव कर दिए हैं। उससे नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारे पास यूजिंग ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर है उसका यूज कहां पर होता है, जहां पर हमें जो स्मॉल इमेज है वो चाहिए वहां पर हम किसका यूज करते हैं, कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं और इसीलिए इनको क्या देते हैं, प्रेफरेंस भी देते हैं। जो कन्वेक्स मिरर है इसका यूज होता है किस चीज के रूप में, ड्राइवर मिरर के रूप में। यानी देखो मोटरसाइकिल है या फिर इसके साथ साथ ट्रक है या फिर कार है, उसके साइड में जो मिरर लगा होता है वो एक्शन में कन्वेक्स मिरर होता है और इसीलिए हम उसका यूज करते हैं, क्योंकि वो इमेज कैसे बनाएगा, विजुअल और इरेक्ट इमेज बनाने के साथ साथ जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज है वो कैसे बना देगा, स्मॉल इमेज बना देगा। देखो अगर आपने जो मिरर है वो देखा होगा तो उसके ऊपर लिखा भी होता है ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। यानी क्या है, कोई भी हमारे पास दूर की वस्तु है वो जो मिरर है उसके अंदर हमें कैसे दिखाई देगी, छोटी दिखाई देगी और इसी कारण हम क्या करते हैं, जो कन्वेक्स मिरर है इसको प्रेफरेंस भी देते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा यूजेज ऑफ कन्केव मिरर। कन्केव मिरर का यूज कहां कहां पर होता है, जहां पर भी जो लाइट है उसको फैलाने की आवश्यकता पड़े वहां पर कन्केव मिरर का हम यूज करेंगे, क्योंकि कन्केव मिरर क्या करेगा, जो लाइट है उसको क्या कर देगा, फैला देगा। तो इसीलिए इसका यूज कहां पर होता है, हेडलाइट्स ऑफ कार बस ट्रक एक्सेट्रा। जो कार बस और ट्रक के आगे जो लाइट्स लगी होती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, हेडलाइट्स बोलते हैं। और जो बल्ब होता है उसके साइड में आपने देखा होगा सिल्वर कलर एक्शन में वो क्या होता है, मिरर है वो होता है, वो कौन सा मिरर, कन्केव मिरर, जिसके कारण रिफ्लेक्ट जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होती है। इसीलिए क्या होगा, जो कन्केव मिरर है उसका यूज होगा कहां पर, कार बस ट्रक की हेडलाइट्स में। नेक्स्ट वन आ जाएगा इट इज यूज बाय डेंटिस्ट। डेंटिस्ट भी इसका यूज करेंगे, वो किस लिए करेंगे, जो टीथ है उसका बिग प्रीव्यू लेने के लिए, यानी टीथ की जो बिग इमेज है उसको लेने के लिए या फिर देखने के लिए इसका जो डेंटिस्ट है वे किस मिरर का यूज करेंगे, कन्केव मिरर का यूज करेंगे। इसके साथ साथ सोलर फर्नेस में भी इसका यूज होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है मिरर फॉर्मूला। इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, ए फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आर नोन एज मिरर फॉर्मूला। और इसको हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, 1/f = 1/b + 1/u। नेक्स्ट वन आता हमारे पास मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इज डिनोटेड बाय m विच इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी क्या बोल सकते हैं इसको, m इक्वल टू h डैश अपॉन h और इसका फॉर्मूला दूसरा क्या रहेगा, m इक्वल टू -3/u और यही हमारे पास फॉर्मूला रहेगा इसका मैग्निफिकेशन का। ये फॉर्मूला और ये जो फॉर्मूला है ये दोनों ही फॉर्मूले जो हम न्यूमेरिकल निकालेंगे वहां पर यूज इनका होगा। तो स्टूडेंट्स आपका वर्क क्या रहेगा, जहां तक मैंने आपको रीड करवाया है वहां तक आपने क्या करना है, इसको अच्छी प्रकार से रीड करना है प्लस इन दोनों को क्या करना है, आपने फेयर नोटबुक के अंदर राइट डाउन